Bismillahirrahmanirrahim. So today is our fifth week and the name of our experiment is study of scoring a bridge pier, abutment, contraction score and general score. So this is our experiment. पहले हम स्कोर के बारे में जानते हैं कि स्कोर क्या चीज है. तो स्कोर कैन बी डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द बेड इन बैंक्स ऑफ स्ट्रीम और रिवर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर. जब भी पानी गुजरता है तो वो अपने साथ जो बेड मटेरियल है या जो एबटमेंट वगैरह है तो वो वहां से मट्टी को खोदता है, मट्टी को वहां से निकालता है और अपने साथ बहा के ले जाता है. तो इसको स्कोर कहते हैं. ठीक है, तो स्कोरिंग के इफेक्ट्स क्या है? लोअरिंग द बेड लेवल, एक तो ये होता है कि जो बेड लेवल है, जो एलिवेशन ऑफ द बेड है वो उससे नीचे हो जाती है और डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है, डिस्टेबलाइजिंग द फाउंडेशन. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये देख ले कि यहाँ पे एक ब्रिज पियर है और ये फाउंडेशन से नीचे जो बेड मटेरियल है वो स्कोर हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो डिस्टेबलाइजेशन काज होती है और ये ब्रिज पियर को आप देख सकते हैं कि ये टिल्ट हुआ है. ये क्यों टिल्ट हुआ है? क्योंकि इस यहाँ पे स्कोरिंग हुई है और स्कोरिंग की वजह से नीचे वाला मटेरियल वो पानी अपने साथ बहा के ले जाती है और यहाँ पे डिस्टेबलाइजिंग फोर्स जो है वो काज करती है इसको टिल्ट करने में. अच्छा, स्कोर एंड इनलाइन स्ट्रक्चर, फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम, जिसमें हमारे पास पर आते हैं, डाइक्स आते हैं, जो हम जो है वो दरिया में इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं कि हमारे पास जो वहाँ पे अगर फ्लड वगैरह आ जाए या फ्लो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो ताकि वो बैंक्स को इरोड ना करे, बैंक्स को यानी जो साइड्स को वो खराब ना करे. इस वजह से हम कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं ताकि हमारे पास फ्लो वेलोसिटी जो है वो कम हो और वहाँ पे जो है वो डैमेज काज ना हो. तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, दी स्ट्रक्चर रिड्यूस द फ्लो वेलोसिटी नियर द रिवर बैंक्स कॉजिंग डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द बैंक ऑफ द रिवर. इसकी वजह से क्या होता है, जब आप किसी चीज के या पानी फ्लो कर रहा है तो उस पानी को रोकने के लिए, उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, वहां पे स्ट्रक्चर लगाते हैं. तो उस वजह से वो न सिर्फ जो है वो वेलोसिटी को रिड्यूस करता है. अच्छा, ये स्पीक माइक किसका ऑन है, ये जरा स्विच ऑफ कर ले, प्लीज म्यूट कर ले माइक को. इस्माइल है सर, इस्माइल है, म्यूट कर ले काइंडली. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है तो ये न सिर्फ वेलोसिटी को कम कर देते हैं बल्कि आप ये जो है सेडिमेंट को भी रोकते हैं, जो पानी के साथ सेडिमेंट्स आ रहे होते हैं तो वो भी रोकते हैं. इसकी वजह से वहाँ पे डिपोजिशन काज होती है एंड लोकल स्कोरिंग एट द हेड ऑफ स्पर डाइक. तो ये देख ले कि यहाँ पे एक कोना आपको नजर आ रहा है तो इसमें जो है वो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, जबकि यहाँ पे जो है वो क्या होता है, तो पानी का बहाव इस तरह होता है कि वर्टेक्स फॉर्म में होता है. तो यहाँ से जो बेड मटेरियल है वो अपने साथ वो ले जाती है, जिसकी वजह से स्कोर काज होता है. और यहाँ पे ये जो आपको नजर आए ओवल शेप, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें स्कोरिंग की वजह से जो है वो जो बेड है वो डिस्टर्ब हो जाती है और बेड जो है वो नीचे की तरफ चली जाती है. यहाँ पे इसके करीब ये जो स्पर है तो इसके साइड्स पे जो है वो मटेरियल वो नीचे चला जाता है और यहाँ पे डिपॉजिट होता है. इसी तरह ये रिवर बैंक में एक और जो है एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वेलोसिटी को डाइवर्ट, फ्लो डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए और वेलोसिटी को कम करने के लिए. तो यहाँ पे ये देख ले सेल्टेशन होती है, मटेरियल्स यहाँ पे जो है जमा होते हैं. आपने देखा होगा कि जो रिवर बैंक होते हैं या नहर के किनारे होते हैं तो वहाँ पे जो आपको वो क्लाउडी वाटर नजर आता है तो वो सेल्टेशन की वजह से कि पार्टिकल्स जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं या पार्टिकल्स जो है वाटर में कभी जो है वो अगर डिस्टरबेंस उसमें आ जाती है
तो पार्टिकल्स अपनी जगह से उठते हैं, फिर नीचे बैठ जाते हैं, जब वो डिस्टर्बेंस खत्म हो फिर उठ जाते हैं। इसी तरह ये सल्टेशन कास्ट करते हैं। और इसके पीछे अगर आप देख ले तो यहाँ पे जो है वो मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे पानी जो है इस तरह आता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो पानी की डायरेक्शन जो है वो इस तरह होती है कि यहाँ पे जो पानी आ रहा होता है तो वो इस तरह जो है वो एक रोटेशन जो है सर्कुलर फॉर्म में पानी जो है वो मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिपोजिशन होती है और यहाँ पे जो है वो स्कवरिंग होती है। तो यहाँ इस बेस पे जो है आपको स्कवरिंग नजर आएगी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास रिवर बैंक है, डिफ्लेक्टिंग स्पर है यहाँ पे एक वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये देख ले कि यहाँ पे जो है जगह बनी हुई है, यहाँ पे डिपॉजिट होगा मटेरियल और इस पॉइंट पे जो है इस पॉइंट के थ्रू जो है वो क्या होगा, स्कवर होगा और ये वाला पॉइंट जो है ये नीचे चला गया होगा। इसी तरह जो है लेटरल स्ट्रक्चर में जब पानी गुजर रहा होता है और रास्ते में ब्रिज पियर आ जाता है, ट्रांसवर्स फॉर्म में लेटरल फॉर्म में जो है ब्रिज पियर आ जाता है, तो क्या होता है, क्योंकि ये जो ब्रिज पियर है ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है पानी के रास्ते में, तो इसके इर्द गिर्द जो पानी वो गुजर रहा होता है तो वो डाइवर्ट होता है, यानी सीधा जो है ब्रिज पियर पे पानी जा रहा है तो वो डाइवर्ट हो जाता है जब उसके सामने ब्रिज पियर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो स्कोर काज होता है, जो इर्द गिर्द ब्रिज पियर के इर्द गिर्द जो है ये स्कोर काज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पानी फ्लो कर रहा है और यहाँ से ये डाइवर्ट हो गया, तो यहाँ पे एक वर्टेक्स फॉर्म में जो है वो इस तरह और इसी तरह इस तरह, तो ये अपने साथ जो बेड मटेरियल है नीचे से वो स्कवर करता है और यहाँ से भी जो है वो बेड मटेरियल वेलोसिटी की वजह से जो है वो डाइवर्जन की वजह से वो स्कवर होता है। तो आपको नजर आएगा कि ये पियर के नीचे जो पियर के इर्द गिर्द जो एरिया है तो वो नीचे की तरफ जा रही होती है और ड्यू टू स्कवर, ठीक है। तो ब्रिज पियर देट आर लोकेटेड ऑन हाईली एरोडेबल बेड आर सब्जेक्टेड टू फेलियर ड्यू टू स्कवर, स्कवर आर कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो, ये पियर ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है, इस वजह से जो है वो स्कवर काज होता है। अच्छा, अभी हमारे पास है एक जनरल स्कोर है, एक हमारे पास है लोकल स्कोर। तो जनरल स्कोर किसे कहते हैं, लोकल स्कोर किसे कहते हैं, तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि लोअरिंग ऑफ स्ट्रीम बेड एलिवेशन आल्सो कॉल्ड बेड डिग्रेडेशन फॉर लॉन्ग रिचेस ड्यू टू हेड कट्स एंड चेंजेस इन हाइड्रोलॉजी कंट्रोल सच एज डैम सेडिमेंट डिस्चार्ज और रिवर जियोमॉर्फोलॉजी डिस्टर्बेंस जनरल स्कोर। यहाँ पे अगर आप इस तस्वीर में देख ले तो ये एक हमारे पास एक रेवर है, देख लीजिए ये रेवर का एक क्रॉस सेक्शन है और ये एक लंबा रीच है, ज्यादा फासला है और पानी मुसलसल यहाँ से फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो बेड मटेरियल है, जो जियोमॉर्फोलॉजी है बेड मटेरियल की किस चीज से बना हुआ है, क्ले है या सैंड है या सिल्टी क्ले है जो भी है, तो वो मुसलसल पानी की वजह से ये हर एक तरफ से जो है वो मटेरियल को लेके जाता है और हर एक तरफ से हर एक जगह पे जो है वो स्कोरिंग होती है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं जनरल स्कोर। अच्छा, बाज दफा इस तरह होता है कि स्कोरिंग जो है नॉर्मल जब पानी फ्लो कर रहा होता है, जो रूटीन का पानी जा रहा है डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें स्कोरिंग होती है। बाज दफा इस तरह होता है कि हमारे पास फ्लड आ जाते हैं, तो फ्लड की वजह से जो वाटर है तो वो अपने साथ सेडिमेंट को लेके आ जाता है, तो वो सेडिमेंट जो है इन जगहों पे डिपॉजिट हो जाता है और ये जगह जो है बाज दफा इस तरह होती है कि वो डंप होती है और अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन से भी जो है वो यानी वो फिलिंग उसकी हो जाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है और उसकी वजह से जो है वो जो डिपॉजिट सेडिमेंट डिपॉजिट की वजह से टू द ओरिजिनल लाइन एंड ग्रेड्स ऑन द फॉलोइंग स्टेज ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। जनरल स्कोर ऑफन अकर्स ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ अ फ्लड बट इज समटाइम्स मास्क्ड बिकॉज ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट, समटाइम्स ये जो है वो एक मास्क क्रिएट करता है, यानी उसके ऊपर एक दूसरा लेयर आ जाता है स्कोर पे, वो किस वजह से, जब बहुत ज्यादा बारिशें होती है और फॉलिंग स्टेज ऑफ द हाइड्रोग्राफ का मतलब ये कि बारिश होती है तो रन अप जनरेट होता है और फिर जो है वो रन अप जो है वो नीचे की यानी जो डिस्चार्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है,
जब आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्चार्ज कम होता है, वेलासिटी कम होती है, जिसकी वजह से सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं और यहाँ पे जो है वो आपके पास फिलिंग आ जाती है, सेडिमेंट डिपॉजिट की फिलिंग आ जाती है। ठीक है, तो जनरल स्कोर से कहते हैं कि थ्रू आउट द रीच जो है हमारे पास जो स्कोरिंग हो, और ये डिपेंड करेगा कि जियो मॉर्फोलॉजी क्या है उसकी, ठीक है, और आपने कोई किस तरह की वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किए हैं, हेड कट्स प्रोवाइड किए हैं, और हाइड्रोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह आप डैम वगैरह जो है वो सेडिमेंट डिस्चार्ज या जियो रिवर मॉर्फोलॉजी चीजें जो है इस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी लोकेलिटी में जो है वो ये चीजें है तो फिर क्या होगा, जनरल स्कोर आपके पास आएगा। और लोकल स्कोर जो है वो डिस्कवर डेट अकर एट अ पियर एबटमेंट, इरोजन कंट्रोल डिवाइस और अदर स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो इज कॉल्ड लोकल स्कोर, दैट इज कंस्ट्रक्शन कंट्रेक्शन स्कोर। अगर आपने एक ब्रिज पियर जो है वो डिजाइन किया है, वहां पे एक ब्रिज पियर कंस्ट्रक्ट किया है और पानी वहां से गुजर रहा है, तो ये देख ले कि यहाँ से पानी जो है वो रोटेट होके यहाँ पे जब आएगा तो रोटेट होके वो साइड से निकल जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे वर्टिसेस काज होंगे और वो वर्टिसेस जो है वो पानी जो बेड मटेरियल है वो इरोड करते हैं और एक हार्श शो जो है वो वर्टिक्स हार्श शो टाइप आपके पास एक वहाँ पे जो है वो क्या होगा कि एक स्टोर होल बनेगा और ये हार्श शो टाइप होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोकल स्कोर, जो कि एग्जैक्ट किसी भी पॉइंट पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो और वहां पे जो स्कोर हो उस ऑब्स्ट्रक्शन पे, तो उसको हम कहते हैं लोकल स्कोर। दीज ऑब्स्ट्रक्शन काज फ्लो एक्सेलरेशन एंड क्रिएट वर्टिसेस दैट रिमूव द सराउंडिंग सेडिमेंट। जनरली डेप्थ ऑफ लोकल स्कोर आर मच लार्जर देन जनरल स्कोर, क्योंकि जनरल स्कोर जो है वो एक लार्ज एरिया पे जो है वो लार्ज एरिया पे होता है, उसकी वजह से वहां पे जो डेप्थ होती है वो कम होती है, और चूंकि ये किसी एक पॉइंट पे होता है और जो एरिया है वो कम होता है, तो इस वजह से जो है ये स्कोर ज्यादा होता है, लोकल स्कोर ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट ये जो है इन इफेक्ट बाय अ फैक्टर ऑफ 10, यानी 10 फैक्टर पे, मतलब 10 टाइम्स जो है वो ये लोकल स्कोर जनरल स्कोर से ज्यादा होता है। बाय डिफिनीशन कंट्रेक्शन स्कोर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ लोकल स्कोर व्हिच अकर्ड ड्यू टू ब्रिज पेयर एंड एबटमेंट दैट कॉज फ्लो एक्सेलरेशन सराउंडिंग दिन। क्या मतलब कि कंट्रेक्शन स्कोर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लोकल स्कोर, यानी जो पियर्स पे जो स्कोरिंग होती है तो ये लोकल स्कोर के फिनोमेना में आ जाती है, क्योंकि जो है वो फ्लो कंडीशन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे फ्लो के सामने जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है जिसकी वजह से वो जो है वो स्कोरिंग होती है, तो ये लोकल स्कोर फिनोमेना है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट हम लैब में किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये तो कुछ जनरल था एक्सपेरिमेंट के बारे में, ब्रिज स्कोरिंग के बारे में। अभी एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरह हम परफॉर्म करते हैं लैब में, तो ये है कि एज पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देयर आर अराउंड 1500 ब्रिजेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तकरीबन जो है 1500 ब्रिजेस है विच आर ओवर 50 to 60 ईयर ओल्ड, और उसमें ज्यादातर जो है वो 50-60 साल से पुराने हैं, और ये उस वक्त बनी थी जहाँ पे जब जो है वो बहुत ज्यादा फ्लड्स वगैरह नहीं होते थे, फ्लड इवेंट्स ज्यादा नहीं होते थे, बारिशें बहुत ज्यादा नहीं होती, जिस तरह की जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी जो है वो फ्लड वगैरह आते हैं और बारिशें जो है वो बेमौसम बारिशें होती है, तो ये पहले उस तरह नहीं था। तो अभी जो है वो क्योंकि वो ब्रिजेस पुराने हैं और अभी फ्लड्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से जो स्कोरिंग है वो भी ज्यादा हो रही है, तो अभी एक स्टडी की जरूरत है कि हम जो है लोकल स्कोरिंग के इफेक्ट्स को जान सके और उसके लिए जो है इस तरह के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर सके, ताकि जो फाउंडेशन है वो हमारे पास खराब ना हो और कोई डैमेज स्ट्रक्चर में ब्रिजेस को डैमेज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू एनालाइज ब्रिज पियर एंड एबटमेंट फॉर लोकल स्कोर एंड पर्पसेस काउंटर मेजर। तो हम जानेंगे कि ब्रिज पियर पे और एबटमेंट में स्कोर जो है वो कितनी हो रही है और उसको रोकने के लिए हम क्या मेजर जो है वो कर सकते हैं।
अच्छा तो ये देख ले कि हम एक फ्ल्यूम में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक फ्ल्यूम आपके पास होगा, उसमें आप जो है वो स्टोर मटेरियल जो है वो एक बेड हम बना लेंगे स्टोरिंग मटेरियल का, यानी कोई भी जो है वो सेल्ट आप ले सकते हैं, क्ले ले सकते हैं, सैंड ले सकते हैं, एक बेड बना लेंगे और इसकी एक खास थिकनेस जो है वो आप रख लेंगे, कोई सी भी थिकनेस आप जो है वो रख ले थ्रू आउट द चैनल। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि हम उसमें जो है वो पाइप्स जो है वो आर्टिफिशियल पियर जो है वो लगा लेंगे, यानी पाइप्स अगर हॉलो पाइप्स आप वहां पे लगा ले उसमें बेड में, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो पाइप्स लगा ले, और फिर क्या कर ले कि फिर टेस्टिंग ऑन मॉडल वहां पे फ्लो को स्टार्ट कर लेंगे, एक खास फ्लो रेट जो है वो जनरेट कर लेंगे और वो डिस्चार्ज आप मेजर कर लेंगे वॉल्यूम और टाइम से, और फिर देखेंगे कि स्कोरिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो अगर स्कोरिंग नहीं हो रही है, विलास्ट डिस्चार्ज कम है, तो फिर आप क्या करेंगे कि डिस्चार्ज को जो है वो बढ़ा लेंगे, फ्लो को ज्यादा कर लेंगे, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। फिर हर एक इंक्रीमेंट डिस्चार्ज पे आप देखेंगे कि स्कोरिंग, एक तो ये आप देखेंगे विजुअली कि स्कोरिंग जो है वो हो रही है कि नहीं और किस तरह पैटर्न में जो है वो स्कोरिंग हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर स्कोरिंग हमारे पास हो रही है तो वो जो हार्स शू जो शेप बनाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि स्कोरिंग जब हमारे पास हो जाए, एक्सपेरिमेंट हमारे पास खत्म हो जाए, तो फिर हम ब्रिज पियर से जो है वो हर एक डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं कि स्कोरिंग कहाँ तक हुई है। ठीक है, और वो डिप जो है एक तो एक्स एक्सिस पे जो है वो हम मेजरमेंट ले लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो है वो लेटिट्यूड सॉरी जो हॉरिजॉन्टल जो स्कोरिंग हुई है तो वो हॉरिजॉन्टल कहाँ से स्टार्ट हुई है और ब्रिज पियर से कहाँ तक जो है स्कोरिंग हुई है, तो वो चारों साइड पे जो है वो डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा जो है हम हर एक इंक्रीमेंट पे हमारे पास जो ब्रिज पियर है तो टिप मेजर कर लेंगे कि स्कोरिंग हुई है तो वाई डिस्टेंस जेड डिस्टेंस कितना है, तो हर एक इंक्रीमेंट थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट छोटे छोटे इंक्रीमेंट ले लेंगे और हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट आ जाएंगे कि टिप इतना है। इससे हमारे पास जो है कोई अगर हम एक डेटम जो है वो सेलेक्ट कर ले तो ये हमारे पास डेप्थ आ जाएगा, एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और डेप्थ से हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ जाती है, तो इसको इसको हम जो है अपने पास नोट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि इस डेटा को हम जो है वो फिर सर्वर में प्लॉट करते हैं, सर्वर में हम जो है वो कंटूर्स बनाते हैं, और एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है, वाई की जेड की वैल्यू आ गई है, तो इन दोनों से हम जो है वो कंटूर्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पे आप देख सकते हैं कि जो जो आपको नजर आ रहा है शेप, तो वो एक्चुअल जो है वो सर्फर में आपको नजर आएगा कि किस तरह है। अच्छा, कंपेयर द ऑब्टेंड रिजल्ट कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। अच्छा, इस तरह है कि हम जो है वो इस पे दो तीन तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट तो ये होगा कि हम फ्लो रेट को ज्यादा करते हैं। ठीक है, वो तो जस्ट आप जो है वो कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल कर सकते हैं कि फ्लो रेट को आप बढ़ा दे और स्कोर इफेक्ट जो है वो देख ले कि ब्रिज पियर पे स्कोर इफेक्ट क्या है। दूसरा दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि आपने इनिशियली जो है वो एक ब्रिज पियर का जो आपने एक मॉडल जो है वो वहां पे रखा था तो वो राउंडेड शेप था, अभी आप जो है वो उसकी जगह आप कोई लकड़ी से एक पियर बना ले और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में बना ले, वो वहां पे रख दे, फिर स्कोर इफेक्ट जो है वो देख ले। उसके बाद आप जो है वो ऑक्टागोनल एक ब्रिज पियर बना दे या हेक्सागोनल तो वो वहां पे रख दे, तो क्या होगा फिर वहां पे जो है वो आप उसी फ्लो पे जो है वो स्कोर इफेक्ट देख ले। तो ये तीन चार मॉडल आप यूज करके जो है वो फिर क्या कर ले कि देख ले कि स्कोर इफेक्ट किस में सबसे ज्यादा है और किस में सबसे कम है। तो इस लिहाज से जब आपके पास डेटा आ जाएगा और कंट्रोल आपके पास बन जाएंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा पियर को शेप जो है वो कौन सा अगर हम बना ले तो हमारे पास क्या होगा, स्कोरिंग हमारे पास कम होगी। तो इससे आप जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं और फिर रिकमेंड कर सकते हैं कि पहले जो है वो अगर हम जो है वो राउंड शेप की बजाय हेक्सागोनल शेप का जो है एक ब्रिज पियर जो फाउंडेशन है वो बना ले तो स्कोरिंग जो है हमारे पास कम होगी। तो ये आपका एक आपने एक रिकमेंडेशन ले दी है। तो
लैब वर्क में यही है कि सेडिमेंटेशन एंड स्टोरिंग विल बी फाउंड ऑन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द मॉडल स्ट्रक्चर लाइक कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज देन द एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सरफेस यूज्ड टू बी कैलकुलेटेड द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ एवरी ट्रायल। ठीक है, स्टार्ट पे जो है वो तो जीरो जीरो होगा और फिर जो है एंड एंड में जो है वो एक्स एक्सिस पे और फिर वाई एक्सिस में और जेड डायरेक्शन में डेप्थ में जो है वो आप नोट कर लेंगे। टोटल फोर ट्रायल विल बी कंडक्टेड ऑन ईच मॉडल फॉर 15, 30, 60 एंड 120 मिनट्स। तो टाइम भी आप ख्याल रखेंगे कि क्योंकि स्कोरिंग जो है वो तो कम टाइम में जो है वो कम स्कोरिंग होती है, तो आप जो है तो 15 मिनट्स के लिए नोट कर लेंगे कि 15 मिनट्स तक कितनी स्कोरिंग हुई है, 30 मिनट्स में, 60 मिनट्स में और फिर 120 मिनट्स में। इन ऑर्डर टू कंपेयर दिस इम्प्लीमेंटेशन एंड स्कोरिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट विल बी प्लॉटेड इन सर्वर सॉफ्टवेयर फॉर कंट्रोल्स। सर्वर सॉफ्टवेयर एक आसान सॉफ्टवेयर में आसान सॉफ्टवेयर है, उसमें आप आसानी के साथ दो तीन स्टेप में जो है वो कंट्रोल लाइंस ड्रा कर सकते हैं। ये जो डेटा आपने लिया है तो इसको आप पहले एक्सेल में प्लॉट कर लेंगे, इस डेटा को जो है एक्सेल में पुट कर लेंगे और उसके बाद यही डेटा उठा के आप जो है वो कंट्रोल सर्वर में जो है वो लेके जाएंगे और वहाँ से कंट्रोल आप बना सकते हैं। सिमिलरली द लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल अलोंग द चैनल फॉर डिपोजिशन स्कोरिंग विल बी प्लॉटेड यूजिंग एक्सेल। ठीक है, एक्सिस से आप जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डेटा प्रोफाइल बना सकते हैं, क्योंकि डेटा आप एक्स एक्सिस का डेटा आपके पास आ गया है तो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल आप आसानी के साथ एक्सेल में प्लॉट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए आपके पास जो है वो सर्वर में इस तरह की आपके पास कंट्रोल शीट जो है वो आ जाएगी और आप एक्सेल में जो है वो फिर ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का जो डेटा है वो प्लॉट कर सकते हैं। पोटेंशियल आउटकम्स इफेक्ट ऑफ लोकल स्कोर ऑन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, एक तो ये आप जो है वो सीख लेंगे। दूसरा, प्रोपोज लोकल स्कोर का काउंटर मैयत एट द बेस लेवल, के बेस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, यानी जो पियर का शेप है वो आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं जिसके बाद आपके पास जो है वो जो स्कोर इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए और उससे जो डैमेज है वो सबसे कम हो। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही है कि यहाँ पे आप देख लें कि ये जो पिट मटेरियल है ये सारा नीचे जो है वो स्कोरिंग हो चुकी है और ये यहाँ से खाली हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे आप देख लें इसमें ये स्वात रिवर है, स्वात रिवर पे ब्रिज है जीटी रोड पे जो मेरे ख्याल में नौशेरा साइड पे है या तो वहाँ पे देख लें कि ये सारा मटेरियल। इसी तरह ये चीज आपको जो है वो कोरम रेवर पे जो बनो आप जाते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज आपको नजर आ रही होती है, तो ये स्कवरिंग हुई है। यहाँ पे जो है ये पत्थर भी है, ये देखिए बोल्डर्स वगैरह भी है, सैंड भी है, तो स्कोरिंग की वजह से जो नीचे का मटेरियल है वो सारा बह चुका है। काबल रेवर ब्रिज एट जीटी रोड, तो यहाँ पे भी ये फिनोमेना है, स्कोरिंग हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि फ्लड की वजह से स्कोरिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे, और ये देखिए ये ब्रिज जो है वो इसकी सेटलमेंट हुई है, ब्रिज फेल की सेटलमेंट हुई है जिसकी वजह से ये ब्रिज फेल हो चुका है। और ये नागुमान रिवर ब्रिज एट जीटी रोड जो है ये देख लीजिए स्कोरिंग इफेक्ट है, तो स्कोरिंग इफेक्ट की वजह से जो है वो ब्रिजेस फेल हो जाते हैं, तो ये इसका आपके डिजाइन में खास ख्याल रखना है। ये कुछ एक एक दो दो मिनट की वीडियो है, तो देख रहे कि पियर स्कोर है, ये एक सॉफ्टवेयर है उसमें उन्होंने किया है, डिपार्टमेंट स्कोर है। पियर जो है वो जो कॉलम होता है ब्रिज का, डिपार्टमेंट जो है वो जो साइड बैंक्स पे जो ब्रिज कनेक्ट होता है बैंक्स के साथ, और इस तरह जनरल स्कोर किस तरह है, तो ये जरा आप देखिए वीडियो की साउंड नहीं है तो बस ये आप जस्ट देखिए
देखिए जब स्कोर हो जाए तो कई इस तरह आपके पास एक गोल बनेगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो पानी फ्लो कर रहा है, तो ये देखिए ये रोटेशन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से ये रोटेशन पास करता है, उस रोटेशन की वजह से जो है वो मटेरियल को अपने साथ लेके जाता है। अभी इम्बटमेंट स्टोर की तरफ आ जाते हैं, तो ये देखिए इम्बटमेंट स्टोर में, ये देखिए ये अपार्टमेंट है और यहाँ से पानी जो है वो गुजर रहा है, तो कंटिन्यूस फ्लो के साथ जो है वो यहाँ से जो बेड मटेरियल है वो अपने साथ बहा के ले जाता है, जिसकी वजह से ये अपार्टमेंट वो डैमेज होती है। ये देख ले पानी जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये पीछे बैठ जा रहा है, तो ये देख ले ये यहाँ से जो है वो बेड अपार्टमेंट वो डैमेज हो गया। जनरल स्टोर, तो जनरल स्टोर जो है वो थ्रू आउट द रीच होता है, मुसलसल पानी जब फ्लो कर रहा होता है, तो ये देख ले तो देख ले पहले इस तरह था जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो नीचे पेड़।